नॉइस क्लियर है? हेलो हेलो तो चैनल से एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार वॉइस भी वो क्लियर है। और लास्ट जो अपना टॉपिक था जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, उसको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि अपन उस टॉपिक्स के आगे से स्टार्ट करें। और जो भी अगर आपका कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, रेज्यूम हो चुकी है क्लास, तो वापस से हम जो पोर्शन था, रिमेनिंग पोर्शन, उसको फॉरवर्ड करेंगे। एक बार जल्दी से मैसेज करिए कि किस टॉपिक से हमें स्टार्ट करना था, उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपके क्लासमेट है, उन सभी को आप एक बार, कोई ग्रुप हो उससे मैसेज कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी कनेक्ट हो जाइए। फास्ट ठीक है। अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ स्टॉक फ्लो, चलिए। और कोई स्टूडेंट्स जल्दी से कनेक्ट हो जाइए फास्ट। कोई भी आपका अगर ग्रुप हो, उस ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए। हाँ, कौन सा चैप्टर था बेटा ये? सभी आप जल्दी से, सॉइल फॉर्मेशन हो गया होगा एंड टाइप्स ऑफ सॉइल हो गया था। फास्ट एक बार कनेक्ट हो जाइए सभी। सॉइल मैकेनिक्स चल रही थी आपके। लिमिटेशंस ऑफ स्टॉक फ्लो मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम थे। चलिए, वेरी गुड। चैप्टर नंबर सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के हम पहुंच चुके थे अपने स्टॉक फ्लो के ऊपर। सो वेरी गुड सभी स्टूडेंट्स, फास्ट एक बार कनेक्ट हुई है तभी स्टार्ट करेंगे। अभी स्ट्रेंथ अपनी थोड़ी सी कम है, स्ट्रेंथ थोड़ी सी आते ही अपन स्टार्ट करते हैं सेशन। और कोई भी आपका ग्रुप हो, उस ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं। तो देखिए, थोड़ा सा जब तक अपन रिवीजन कर लेते हैं, हम थे पार्टिकल साइज एनालिसिस पे। किस पे थे हम? पार्टिकल साइज एनालिसिस के ऊपर थे। और पार्टिकल साइज जो एनालिसिस है वो दो तरह से होता है। द फर्स्ट वन इज द सेडिमेंटेशन एनालिसिस एंड अनदर वन इज द सीव एनालिसिस। एक तो होता है सीव और एक होता है सेडिमेंटेशन। इन दोनों एनालिसिस के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। अगर हम बात करें सीव एनालिसिस की, तो सीव एनालिसिस में हमने क्या देखा था कि जब सीव एनालिसिस किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए किया जाता है, सबसे पहली बात तो सीव एनालिसिस इज डन फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, एंड द सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज डन फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल। सीव एनालिसिस कोर्स ग्रेन सॉइल एंड सेडिमेंटेशन एनालिसिस फाइन ग्रेन सॉइल के लिए किया जाता है। अब सीव एनालिसिस के भी दो पार्ट थे, सीव एनालिसिस के दो पार्ट थे। उस दो पार्ट में क्या था? एक तो था कोर्स सीविंग और एक था फाइन सीविंग। एक था कोर्स और एक था फाइन। अब कब करते हैं हम सीव एनालिसिस? जब 75 माइक्रोन या 0.075 mm की सीव पर मोर देन 50% पार्टिकल्स आर रिटेन्ड, देन वी आर परफॉर्मिंग द सीव एनालिसिस। बट इफ द पार्टिकल आर पासिंग मोर देन 50% फ्रॉम 75 mm सीव, देन वी आर परफॉर्मिंग द सेडिमेंटेशन एनालिसिस। डन हुआ। अब सीव एनालिसिस के अंदर अब दो सीविंग थी, द फर्स्ट वन इज द कोर्स सीविंग एंड द सेकंड वन इज द फाइन सीविंग। अब बात आती है कि सर कब कोर्स सीविंग करेंगे एंड कब हम फाइन सीविंग करेंगे। अब कोर्स सीविंग की बात करें तो 4.75 mm से बड़े पार्टिकल्स के लिए, और वी कैन से इफ द पार्टिकल आर मोर देन 50% रिटेन ओवर द
4.75 mm sieve, then we will performing the coarse sieving. Then we will performing the coarse sieving, and if the particles are passing more than 50% for 4.75 mm sieve, then we are performing fine sieving. Clear hua? Ab jo fine sieving hai, it is also comprising of two parts. The first one is the dry and another one is the wet. Dry process and wet process. Do tarah ke process the. Ek tha aapka dry aur dusra tha aapka wet process. Dry process jab aapka kab adopt karenge? When the fineness is small. Jab fineness ka ho, small ho, then we will performing the dry sieve analysis. But if the fineness is more, agar finer particle more hai us coarse particle mein, to hume kya karna hai? We are performing the fine sieving. We are performing the fine sieving, or fine sieving mein bhi kaun sa? Fine sieving mein bhi wet sieving karenge. Clear hua? Wet sieving. Chaliye. Uske baad agar hum aate hain sedimentation analysis. So sedimentation analysis is based upon the Stokes law. Kis pe based tha sedimentation analysis? It is based upon the Stokes law ke upar based tha hamara sedimentation analysis. Isi baat ka dhyan rakhna hai. Ab limitations pe the. Aapne likha hai ki jo hamara last topic tha wo tha limitations of Stokes law. तो एक बार लिख दें हम limitations of heading लिखिएगा limitations of Stokes law. इसको थोड़ा सा discuss करते हैं. यही हमारा topic था जो last lecture में था, limitations of Stokes law. अगर बात करी जाए limitations of Stokes law की, तो Stokes क्या कहते थे? Stokes यह कहते थे कि जो पार्टिकल है वो कैसा होगा, स्फेरिकल अज्यूम किया जाएगा, बट दी क्ले पार्टिकल्स आर फ्लैकी. सर क्ले ही कंसिडर क्यों किया? बिकॉज हम बात कर रहे हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस. सेडिमेंटेशन एनालिसिस की बात कर रहे हो. सेडिमेंटेशन एनालिसिस किसके लिए किया जाता है? फाइन पार्टिकल्स के लिए किया जाता है. इसलिए तो उन्होंने क्या अज्यूम किया था कि जो पार्टिकल होंगे वो स्फेरिकल शेप के होंगे, बट एक्चुअली में जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं दे आर फ्लैकी इन नेचर. कैसे होते हैं? फ्लैकी होते हैं. आ गई बात समझ में सभी को? सेकंड अगर बात करें कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज वैलिड, कितने साइज के पार्टिकल के लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस वैलिड रहता है? वेरी गुड, आइए जल्दी से एक मिनट वेट करिएगा. हाँ, तो बात कर रहे थे सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज वैलिड, किस टाइप या किस साइज ऑफ पार्टिकल के वैलिड रहता है? तो 0.2 से 0.002 mm तक के पार्टिकल के लिए वैलिड रहता है आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस. 0.2 से 0.002 mm तक के पार्टिकल के लिए कौन सा वैलिड रहता है? सर सेडिमेंटेशन एनालिसिस वैलिड रहता है. किसके बताया था ये? स्टॉक्स ने बताया था. स्टॉक्स ने बताया था कि 0.2 से 0.002 mm तक के पार्टिकल के लिए वैलिड रहता है आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस. फिर अगर बात करें स्टॉक्स क्या कहते हैं कि पार्टिकल, ईच पार्टिकल्स आर settled independently and their settling will does not hinder or affect the velocity or the neighboring particle. ke har ek particle individual tarike se settle hoga, uska settle hona uske neighboring particle ke upar koi effect nahi karega. ye kaha tha hamare Stokes ne. Stokes ka limitations tha third. but actual mein aisa hota hai kya? nahi. it will purely depend upon the which portion. it will depend upon the कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल. जितना नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे किसी भी सस्पेंशन के अंदर, क्योंकि हम इसमें सेडिमेंटेशन में क्या बनाते हैं? सस्पेंशन बनाते हैं. तो सस्पेंशन में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो वो हिंडर करेंगे, वो इफेक्ट करेंगे किसको? नेबरिंग पार्टिकल को इफेक्ट करेंगे. क्लियर हुआ सभी को? कि वो नेबरिंग पार्टिकल को इफेक्ट करेंगे, जबकि लिमिटेशन थी ये, क्योंकि उन्होंने क्या माना था कि ईच पार्टिकल विल सेटल इंडिपेंडेंटली. तो ये तीनों अजम्पशंस या लिमिटेशंस हुए जिनको हमें नोट करना है. तो राइट डाउन द फर्स्ट लिमिटेशन. द फर्स्ट वन इज द सॉइल पार्टिकल्स शुड बी स्फेरिकल. सॉइल पार्टिकल्स शुड बी स्फेरिकल. सॉइल पार्टिकल कैसे होंगे? स्फेरिकल. बट इन एक्चुअल द क्ले पार्टिकल्स आर फ्लैकी इन नेचर. ये तो उन्होंने माना था कि ब्रैकेट में लिखना है लिमिटेशंस थी, और ब्रैकेट में क्या लिखना है? बट द क्ले पार्टिकल्स आर फ्लैकी इन नेचर.
फ्लैकी इन नेचर, जबकि क्ले पार्टिकल कैसे होते हैं, फ्लैकी। ये आपको आप लोगों के लिए लिखा है, बाकी जनरली अगर लिमिटेशन की बात करें तो उसमें यही लिखना है कि जो स्टॉक्स थे क्या माना था, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। सेकेंड टर्म जो लिखेंगे अपन, सेकेंड टर्म इज दैट, और सेकेंड लिमिटेशन इज दैट सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज वैलिड अप टू, सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज वैलिड अप टू साइज, अगर बात करें साइज अगर बात करें तो 0. रुकिएगा एक मिनट, साइज अगर हम बात करें तो 0.2 mm टू 0.0002 mm किस साइज तक के लिए अप्लीकेबल होता है? 0.2 mm से 0.0002 mm तक के पार्टिकल के वैलिड होता है आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस। क्लियर हुआ? देन द लास्ट पॉइंट और लास्ट लिमिटेशन इज पार्टिकल सेटल इंडिपेंडेंटली, पार्टिकल्स सेटल इंडिपेंडेंटली, पार्टिकल सेटल इंडिपेंडेंटली मीन्स नेबरिंग पार्टिकल डज नॉट, इसका मतलब क्या है, मीन्स नेबरिंग means neighboring particle does not, neighboring particle does not have effect in settling velocity, have effect in settling velocity, note kariyega, क्लियर हुआ, नोट करेगा फास्ट, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स नोट करेगा। ये आपके सामने मैंने तीन लिमिटेशंस लिखे हैं, और कोई भी डाउट हो इस लिमिटेशंस में तो यू कैन आस्क, कोई भी डाउट हो इस लिमिटेशन में तो आप पूछ सकते हैं, पूछिएगा फास्ट, और क्लियर है तो डन करिएगा, और नोट कर लीजिएगा तो भी डन करिएगा, ठीक है, जल्दी से फास्ट, जल्दी जल्दी आइए फास्ट, काफी आज स्ट्रेंथ कम है, आपको क्या इंफॉर्मेशन नहीं थी क्या, आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी क्या, अब आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन लिमिटेशंस थे स्टॉक्स लो के, ये जो तीन लिमिटेशंस थे ये किसके थे, स्टॉक्स लो के थे। द फर्स्ट वन इज दी सॉइल पार्टिकल शुड बी स्फेरिकल, but in actual the clay particles are flaky. Second, sedimentation analysis is valid up to 0.2 mm to 0.0002 mm. The third one is the particles settle independently, means iska meaning kya hua ki har ek particle independently set hoga, uska settle hona neighboring particle ke upar koi effect nahi karega. Abhi main aapko diagram se bataunga, ek bar note karke done kariyega fast. नोट करके डन करिएगा जल्दी से, वेरी गुड। चलिए अब देखिए जो लास्ट पॉइंट है इसको थोड़ा सा अपन इलैबोरेट करते हैं, बाकी सब चीजें तो थियोरेटिकल है, ये लास्ट पॉइंट आपके समझने वाला है। अगर बात करें कि एक सस्पेंशन तैयार किया है एक बीकर के अंदर, एक बीकर के अंदर हमने एक सस्पेंशन रेडी किया है, इस बीकर के अंदर, और इस सस्पेंशन के अंदर क्या है, वाटर है, और इस वाटर के अंदर
फिर अगर हम बात करें तो इस वाटर के अंदर क्या है, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक पार्टिकल जो सेटल होगा वो इंडिपेंडेंटली सेट होगा, मतलब अगर ये पार्टिकल आपका सेट हो रहा है और ये पार्टिकल अगर सेट हो रहा है तो इसका सेट होना ये नेबरिंग पार्टिकल पे, पास वाले पार्टिकल पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। पर ये कंडीशन कब होगी, जब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स आर लेस, तब। अगर पूरे सस्पेंशन में 4 to 5 पार्टिकल्स हैं तभी ऐसी चीजें होंगी। जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो दूसरा डायग्राम देखिएगा, जब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए उस केस के अंदर क्या होगा कि सभी का एक वेलोसिटी फील्ड बनेगा और सभी की वेलोसिटी फील्ड इफेक्ट करेगा। अगर ये v1 वेलोसिटी जा रहा था तो ये v2 से जा रहा था, ये क्या होगा, इनकी वेलोसिटी इफेक्ट हो गई क्योंकि नेबरिंग पार्टिकल की वजह से, क्योंकि क्या होगी, इनकी वेलोसिटी फील्ड ओवरलैप करेगी। तो इट विल प्योरली डिपेंड्स अपॉन दी कंसंट्रेशन, कि कितना कंसंट्रेशन, कितने पार्टिकल्स हैं उस सस्पेंशन के अंदर। क्लियर हुआ, बताइए। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पे, जल्दी से बताइए, अगर क्लियर हुआ तो अपन आते हैं नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट इज द सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैन बी कैरिड आउट इन 2 वेज। कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस किन दो मेथड्स से किया जाता है, इट विल बी कैरिड आउट बाय 2 ways। द फर्स्ट वन इज द हाइड्रोपिपेट मेथड एंड अनदर वन इज द हाइड्रोमीटर एनालिसिस। दोनों ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, दोनों में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोमीटर एनालिसिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो आते हैं अपन नेक्स्ट पे, चलिएगा। तो ये क्लियर है आपको, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको, नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट में लिखिएगा आपका, सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैन बी कैरिड आउट एनालिसिस कैरिड आउट बाय 2 types या 2 methods। ठीक है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होता है भाई, 2 analysis थे, एक तो था आपका सीव एनालिसिस, वो कंप्लीट हो चुका था, अपन आ चुके थे सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस 2 types से होता है, इट बी कैरिड आउट बाय 2 methods, द फर्स्ट एंड द सेकंड वन। द फर्स्ट वन इज द पिपेट एनालिसिस, एक होता है हाइड्रोमीटर एनालिसिस। नोट करेगा, पिपेट एनालिसिस एंड हाइड्रोमीटर एनालिसिस, या पिपेट मेथड बोल सकते हैं और हाइड्रोमीटर मेथड भी कह सकते हैं इन्हें, पिपेट एंड हाइड्रोमीटर मेथड। डन हुआ, चलिए, पिपेट और हाइड्रोमीटर मेथड नोट कर लीजिएगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे पिपेट मेथड को। ठीक है, फिर पिपेट मेथड को डिस्कस करेंगे। अब अपन आते हैं फर्स्ट मेथड पे, और फर्स्ट मेथड आप लिखिएगा पिपेट मेथड। लिखिएगा, फर्स्ट इज पिपेट मेथड। पिपेट मेथड की अगर बात की जाए तो इसमें बड़े ध्यान से देखिएगा क्या है आपका पीपेट मेथड। इस पीपेट मेथड के अंदर एक सस्पेंशन रेडी किया जाता है फाइन सॉइल, जिसका हमें पार्टिकल साइज एनालिसिस करना है, और एक वाटर में एक सस्पेंशन रेडी किया जाता है, और उसको रेडी करने के बाद में 10 ml सैंपल इज सक विद द हेल्प ऑफ अ पीपेट। 10 ml सैंपल सक किया जाता है 10 cm की डेप्थ से। ठीक है, 10 ml का सैंपल सक किया जाता है 10 cm की डेप्थ पे, एट अ टाइम पीरियड ऑफ 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट,
अलग अलग टाइम इंटरवल पे वो सैंपल लिए जाते हैं, क्लियर हुआ। बट ध्यान ये रखना है कि बिफोर सकिंग दी सैंपल द पिपेट शुड बी इंसर्टेड 20 सेकेंड बिफोर दी रीडिंग। रीडिंग से 20 सेकेंड पहले उस पिपेट को इंसर्ट करना है। अब रीजन आता है कि सर ऐसा क्यों करना है, 20 सेकेंड पहले करने का क्या रीजन है? तो 20 सेकेंड पहले करने का रीजन ये है कि जब आप उस पिपेट को इंसर्ट करेंगे तो फाइन पार्टिकल है, टर्बुलेंस के जैसे पार्टिकल जो है वो दूर चले जाएंगे, तो आपकी एक्चुअल रीडिंग नहीं आ पाएगी। इसलिए तो उसको 20 सेकेंड पहले आप इंसर्ट करेंगे तो टर्बुलेंस होगा, उस 20 सेकेंड में दे विल बी स्टेबल, स्टेबल हो जाएगा, फिर एक्चुअल रिजल्ट जो है वो आपका कैलकुलेट होके आएगा। तो लिखिएगा इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो लिखना है आपको वो लिखिएगा, 10 ml सैंपल ऑफ सस्पेंशन, 10 ml सैंपल ऑफ सस्पेंशन, 10 ml सैंपल ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, इज ड्रॉन, इज ड्रॉन ऑफ, इज ड्रॉन ऑफ विद अ पीपेट, विद अ पीपेट, विद अ पीपेट फ्रॉम 10 सेंटीमीटर डेप्थ, फ्रॉम 10 सेंटीमीटर डेप्थ, 10 ml सैंपल 10 सेंटीमीटर डेप्थ से लेना है, फ्रॉम फ्री वॉटर सरफेस, ठीक है, कहां से? फ्रॉम फ्री वॉटर सरफेस, फ्री वॉटर सरफेस। अगर बात करें इस बीकर के अंदर हमने सैंपल को बनाया है, तो ये पीपेट जब हमने इंसर्ट करी है, ये पीपेट जब हमने इसके अंदर इंसर्ट करी है, तो इस पीपेट को कितना 10 सेंटीमीटर डेप्थ, कहां से? इस 10 सेंटीमीटर डेप्थ इस फ्री वॉटर सरफेस, दिस इज कॉल्ड दी फ्री वॉटर सरफेस, फ्री वॉटर सरफेस से 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे इस पीपेट को इंसर्ट करना है, और इसमें कितना वॉल्यूम होगा 10 ml सैंपल सक करना है, क्लियर हुआ सभी को? देखिए इसमें दो और चीजें होती हैं, वो दो और चीजें क्या है कि इसमें अपन प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, किसका? जो भी सॉइल हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंदर, तो वो प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट इसके बाद में आपको लिखवा दूंगा। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? पीपेट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसके अंदर, पीपेट शुड बी इंसर्टेड बिफोर 20 सेकेंड, पीपेट शुड बी इंसर्टेड बिफोर 20 सेकेंड। रीजन समझ में आ गया था क्यों 20 सेकेंड पहले उस पीपेट को उस सस्पेंशन के अंदर इंसर्ट करेंगे, बिकॉज रीजन ये है कि जो टर्बुलेंस होगा वो टर्बुलेंस क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा उन 20 सेकेंड के अंदर, इसलिए, ठीक है। तो ये पीपेट एनालिसिस है कि 10 ml सैंपल सस्पेंशन में से हमें को ड्रॉन करना है, सक करना है 10 सेंटीमीटर की डेप्थ से, किससे? फ्री वाटर सरफेस से, और इट शुड बी इंसर्टेड बिफोर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड पहले उसे इंसर्ट करना है रीडिंग लेने के, रीडिंग लेने के 20 सेकेंड पहले आपको क्या करना है, उसे इंसर्ट करना है, क्लियर हुआ। अब और चीज देखिएगा, कितना क्लियर होते ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर अपन देखेंगे स्टॉक्स लो का फॉर्मूला, जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल भी है अपने पास, न्यूमेरिकल भी करेंगे, बट आज जो स्ट्रेंथ है वो मुझे लग रही है कम, न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पीपेट एनालिसिस पे, पर आज जो स्ट्रेंथ है वो लग रही है कम, तो मैं ये न्यूमेरिकल आपको कल कराऊंगा पीपेट एनालिसिस वाला, ताकि स्टूडेंट्स और ज्वाइन हो सके। नोट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर अपन आएंगे फॉर्मूले के ऊपर जिस पे आते हैं क्वेश्चन, वेरी गुड श्रेया, रेगुलर आएंगे,
स्टार्टिंग से आप बेटा रेगुलर, वेरी गुड, चलेगा। वी वी इज नोन एज द सेटलिंग वेलोसिटी, पढ़ा होगा आपने, वी इज नोन एज द सेटलिंग वेलोसिटी। ये कई जगह पढ़ते हैं स्टॉक स्लो, एनवायरमेंट में भी आप पढ़ते हैं स्टॉक स्लो और सॉइल में भी आप पढ़ते हैं स्टॉक स्लो। तो वी क्या होगा था, गामा एस माइनस गामा एल, वी इज इक्वल्स टू गामा एस माइनस गामा एल डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू। ये फॉर्मूला है आपका किसका, सेटलिंग वेलोसिटी का, बाय यूजिंग द स्टॉक स्लो। इस पे आता है आपका गेट के अंदर न्यूमेरिकल, गामा एस माइनस गामा एल डी स्क्वायर बाय 18 म्यू। गामा एस क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, गामा एल क्या यूनिट वेट ऑफ लिक्विड, और लिक्विड वाटर है तो यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। डी इज द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल है, स्फेरिकल पार्टिकल, एंड 18 म्यू, म्यू इज द विस्कोसिटी, म्यू क्या है, विस्कोसिटी, म्यू है आपकी विस्कोसिटी। क्लियर हो गया। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स ने इसका मॉडिफाइड फॉर्म भी देखा है कि सर ये फॉर्मूला नहीं, हमने तो कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में देखा था, तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला फॉर्मूला भी यूज आता है न्यूमेरिकल के लिए, तो इसी को हम मॉडिफाइड कर देते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करें तो जी इज टर्म्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको पढ़ाया था, जी होती है और एक जीएम होती है। जी इज द ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स कहते हैं। तो गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू होता है, देन वी कैन पुट गामा एस इज इक्वल टू, वी कैन राइट गामा एस इक्वल जी गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं इसको, यहीं से गामा एस को यहीं रहने दिया, जी गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं, यहां पे पुट करिएगा जी गामा डब्ल्यू किसके जगह, गामा एस की जगह, माइनस लिक्विड है तो गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू, यहां से गामा डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा, तो G माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर बाय 18 म्यू। ये भी आपने पढ़ा होगा, ये भी आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू। अब ये जो V है, ये वेलोसिटी जो है, ये V जो है इसको लिख सकते हैं एच ई बाय टी, इफेक्टिव डेप्थ डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये एक रिलेशन है, प्रॉपर रिलेशन है, इस रिलेशनशिप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफेक्टिव डेप्थ डिवाइडेड बाय टाइम, effective depth divided by time। ये फॉर्मूले का यूज करना है और इस फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं। मैं इस पे कल न्यूमेरिकल भी आपको करवाऊंगा, कल इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, आज स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इट इज फॉर्मूला विच इज यूज टू डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द पार्टिकल। अगर आपको सेटलिंग वेलोसिटी गिवन है तो आप उससे साइज ऑफ द पार्टिकल भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो कल इस पे एक न्यूमेरिकल कराएंगे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी आप इसमें प्रोसेस को नोट करिएगा, आप अभी इसको केवल नोट करिएगा, अभी आप केवल इसको नोट करिएगा, कल इस पे अपन न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, ठीक है, जल्दी से नोट करिए और नोट करने के बाद में डन करिएगा। गेट पे इस पे न्यूमेरिकल आता है और काफी अच्छा न्यूमेरिकल आता है, यूनिट को कन्वर्ट करना होता है उसके बाद इसके अंदर पुट करना होता है। इफेक्टिव डेप्थ है एच ई और टी इज द टाइम, वी इज द सेटलिंग वेलोसिटी, जी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ द वाटर, एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, एंड म्यू इज द विस्कोसिटी। कौन सी विस्कोसिटी है ये बताइएगा, कोई बताइएगा, डायनामिक विस्कोसिटी है या काइनामेटिक विस्कोसिटी है, ये बताइए बताइए, डायनामिक है या काइनामेटिक है, जल्दी से बताइएगा, ये जो म्यू है ये डायनामिक है काइनेमेटिक है, देखते हैं क्या पता है, कितना पता है, डायनामिक, वेरी गुड। डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है, यूनिट डायनामिक विस्कोसिटी की, डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है और सीजीएस यूनिट क्या होती है, दोनों बता सकते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है और सीजीएस यूनिट क्या हो सकती है, बताइएगा, नहीं पता,
पॉइज होती है पॉइज, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पॉइज याद आया आपको, म्यू इज द विस्कोसिटी। नहीं लिखा अभी तक आपने, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकंड भी कहते हैं और पॉइज। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं अपन हाइड्रोमीटर मेथड के ऊपर या हाइड्रोमीटर एनालिसिस के ऊपर। लिखिएगा सेकंड इज हाइड्रोमीटर एनालिसिस या हाइड्रोमीटर मेथड। देखिएगा हाइड्रोमीटर एनालिसिस या हाइड्रोमीटर मेथड क्या कहता है ये हमें देखना है। भाई जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस है, हाइड्रोमीटर क्या होता है? इट्स अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? बल्ब लाइक इंस्ट्रूमेंट, नॉट स्ट्रक्चर, इट्स अ बल्ब लाइक इंस्ट्रूमेंट। इसके ऊपर क्या होती है? अपर डायरेक्शन में तो वैल्यू डिक्रीज होती है, लोअर डायरेक्शन के अंदर वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। अपर में डिक्रीज होती है, लोअर में इंक्रीज होती है। और इसको सस्पेंशन के अंदर पुट करेंगे और देखिएगा ये वाटर है या इसको ये वाटर का लेवल है। यहां पे मैं आपको बताता हूं ये डायग्राम, ठीक है, ये आपका हाइड्रोमीटर है, ये सस्पेंशन है आपका और ये आपका हाइड्रोमीटर है, ठीक है। इस हाइड्रोमीटर में अगर मैंने ये बोला कि ये जीरो है, ये माइनस फाइव है, ये है माइनस टेन है, ये माइनस फिफ्टीन है और ये माइनस ट्वेंटी है। नीचे है आपका फाइव, 10, 15 एंड सो ऑन। तो अपर डायरेक्शन में वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। और लोअर डायरेक्शन में वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। यह है आपका बल्ब, बल्ब इसको अपन इंसर्ट करते हैं इस सस्पेंशन में। सस्पेंशन का मतलब समझ में आ रहा है? इसको सस्पेंशन में आप क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। यह है आपका सेंटर, ये आपका सेंटर, सेंटर से जो डिस्टेंस है ये अपर में h बाय टू है और लोअर में भी क्या है? h बाय टू है। इस नेक ऑफ द बल्ब तक, ये जो नेक है इसकी, इस नेक तक ये डिस्टेंस कितना है? ये है h बाय टू और ये बॉटम जो है ये भी कितना है? h बाय टू। टोटल क्या है? स्मॉल h, ये होता है हाइट ऑफ द बल्ब। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द बल्ब। ये होती है कैपिटल एच, जहां से फ्री सरफेस तक रीडिंग होती है, दिस इज कॉल्ड द कैपिटल एच। हो गया क्लियर? दिस इज कॉल्ड द कैपिटल एच। तो जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस होता है ये किस पे बेस्ड होता है? इट इज आल्सो बेस्ड अपॉन द स्टॉक्स लो, क्योंकि जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है यही बेस्ड है किसके ऊपर? स्टॉक्स लो। इसलिए ये भी किस पे बेस्ड होगा? स्टॉक्स लो। तो लिख लेना, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन, it is also based on Stokes law. Stokes law पे based होता है आपका कौन सा? hydrometer analysis. it is based on Stokes law. नोट करके डन करिएगा।
कोई डाउट है तो पूछिएगा, नहीं तो नोट करके डन करिएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा कि हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी मेजर करता है, ठीक है, पार्टिकल एनालिसिस तो करता ही करता है, पर स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी मेजर करता है, उसके लिए फॉर्मूला है। देखिए तो बनाते हैं, तो यहां लिखिएगा हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर, इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी मेजर करता है। तो अगर सर पार्टिकल साइज मेजर करनी हो तो वही स्टोक्स लॉ वाले फॉर्मूले से करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी मेजर करता है। बट स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखिएगा GL, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 प्लस रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर डिवाइडेड बाय 1000। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेटिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी यूजिंग द हाइड्रोमीटर। RH इज द हाइड्रोमीटर रीडिंग। ये RH यहां पे क्या रिसेंबल कर रहा है, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर रीडिंग को रिसेंबल कर रहा है। पहले जो मैंने पढ़ाया था उस पर आपने क्वेश्चंस लगाए, प्रीवियस ईयर गेट या गेट के रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए आपने किसी ने, और अगर लगाए तो क्वेश्चंस बने, कितने बने, क्या बने, कोई डाउट आया बताओ जल्दी से एक बार इसको नोट करके। नो सर, कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन लगाए तो थे या नहीं लगाए, क्वेश्चन लगाए थे आपने, सर लगाए नहीं क्वेश्चन आपने, क्वेश्चन लगाइएगा एक बार, है ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए चलिए अब आते हैं करेक्शन इन हाइड्रोमीटर रीडिंग। ये बड़े इंपॉर्टेंट है इन करेक्शंस, करेक्शन जनरली आपके ऑब्जेक्टिव वन मार्क्स क्वेश्चन में और पूछ सकता है आपको करेक्शन, और पूछे भी जाते हैं। तो अब आते हैं अपन करेक्शन पे, करेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस आइदर एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अभी शायद महाराष्ट्र में जेई की पोस्ट भी निकली है, महाराष्ट्र के अंदर अगर देखा हो तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर जेई की पोस्ट भी निकली है, पता है आपको, थोड़ा सा उस पर भी फोकस करिएगा, उसको भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। चलिए तो अब हमारे थे करेक्शंस इन हाइड्रोमीटर रीडिंग, करेक्शंस इन हाइड्रोमीटर रीडिंग, हाइड्रोमीटर रीडिंग, हाइड्रोमीटर की जो रीडिंग होगी उनमें कौन कौन से करेक्शन अप्लाई होते हैं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो देयर आर थ्री करेक्शन, द फर्स्ट वन इज द मेनिस्कस करेक्शन, द सेकंड वन इज द टेम्परेचर करेक्शन, एंड द थर्ड वन इज द डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन। कौन कौन से होते हैं, मेनिस्कस, टेम्परेचर एंड डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन, तो लिखिएगा तीनों करेक्शन और उनको फिर डायग्राम से देखेंगे। मेनिस्कस करेक्शन, the second one is the temperature correction,
एंड द थर्ड वन इज द डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन. तीन करेक्शन है, एक मेनिस्कस, एक टेम्परेचर और एक है डिस्पर्शन एजेंट करेक्शन. करेक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल सी, मेनिस्कस सी एम, टेम्परेचर है तो सी टी, डिस्पर्शन है तो सी डी. ठीक है, मेनिस्कस टेम्परेचर एंड डिस्पर्शन एजेंट करेक्शन. अब मेनिस्कस करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ, पढ़ाया आपने, बताइएगा मेनिस्कस करेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, मेनिस्कस करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब रीजन बताइएगा सर कि व्हाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, देखिए इतना नोट करके डन करिएगा पहले एक बार. देखिए करेक्शन को लेते हैं, वेरी गुड. चलिए तो फिर फर्स्ट वन वी विल डिस्कस इज मेनिस्कस करेक्शन. करेक्शन सी एम. देखिए मैं आपके सामने एक हाइड्रोमीटर का एक ट्यूब बना देता हूं. ठीक है, और यहां पे हम रीडिंग ले रहे हैं. ठीक है, यहां पे हम रीडिंग ले रहे हैं, बट ये मेनिस्कस क्या होता है, ये कर्व्ड शेप को वी आर सेइंग दैट इट इज मेनिस्कस. ये होता है मेनिस्कस. अब होगा क्या ये बताना है, होता क्या है कि ड्यू टू द मेनिस्कस इफेक्ट हम रीडिंग कौन सी ले लेते हैं सर, ये अपर वाली रीडिंग हम नोट कर लेते हैं. तो ये नोटेड रीडिंग, नोटेड रीडिंग ये हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि मेनिस्कस जो है वो थिन ट्यूब में दिखता है. ठीक है, तो ये मेनिस्कस के हम कौन से लेते हैं, अपर रीडिंग लेते हैं, पर एक्चुअल में जो रेड वाटर लेवल है वो कहां पे है, ड्यू टू सरफेस टेंशन ये इस कैटेनरी फॉर्म के अंदर है, इस कर्व फॉर्म के अंदर है, ये कॉनकेव फॉर्म के अंदर है. क्लियर हुआ? तो एक्चुअल रीडिंग कौन सी होगी, दिस वॉज दी एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग. ठीक है, होनी कौन सी चाहिए थी सर, एक्चुअल पर रीडिंग नोट कौन सी कर दी हमने, अपर वाली रीडिंग कर दी, और एक्चुअल रीडिंग कौन सी होती, लोअर रीडिंग होनी चाहिए थी. अब हम क्या करेंगे, अब अपर से लोअर की तरफ आएंगे, हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे. जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे रीडिंग क्या होती है भाई, बढ़ती है, तो करेक्शन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा. आ गई बात समझ में, क्लियर हुआ? तो करेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो पॉजिटिव होगा. यहां पे क्या लिख सकते हैं, मेनिस्कस करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मेनिस्कस करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम रीडिंग कौन सी नोट कर रहे हैं, अपर, बट एक्चुअल में रीडिंग कौन सी थी, लोअर. और मैंने बताया था आपको अपर की तरफ वैल्यू, अपर की तरफ वैल्यू हाइड्रोमीटर में कम होती है, नीचे की तरफ वैल्यू पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होती है, यहाँ डिक्रीज होती है और यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होती है. आ गई बात समझ में, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा. नोट कर लो, नोट करने के बाद में डन करिएगा. तो अगर क्वेश्चन आता है मेनिस्कस करेक्शन होगा कैसा, ऑलवेज पॉजिटिव. चलिए डन, वेरी गुड. अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे, टेम्परेचर. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, टेम्परेचर करेक्शन को समझते हैं. टेम्परेचर करेक्शन जो हाइड्रोमीटर होता है वो कैलिब्रेट करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे. जैसे हम कैलिब्रेट करते हैं आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी जब कैलकुलेट करते हैं, तो उसी तरह से हम इसे भी कैलिब्रेट करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे. अब होगा क्या, इफ द टेम्परेचर
रूम या जिस भी लैब के अंदर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं हाइड्रोमीटर का, अगर वहां पर टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा होगा या फिर 27 डिग्री से कम होगा। अगर 27 डिग्री से ज्यादा होगा तो करेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर टेम्परेचर 27 डिग्री से कम होगा तो करेक्शन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट पे आते हैं अपन, टेम्परेचर करेक्शन। सेकंड हाइड्रोमीटर करेक्शन इज टेम्परेचर करेक्शन। सीटी से नोट करते हैं, यहां पे लिखिएगा टेम्परेचर करेक्शन के अंदर हाइड्रोमीटर आर जनरली कैलिब्रेटेड एट, हाइड्रोमीटर आर जनरली कैलिब्रेटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस बट If the temperature is less than greater than 20 लिख दीजिए पहले तो, if the temperature is greater than 27 degree Celsius और if the temperature is less than 27 degree Celsius, अगर greater than होगा तो correction कैसा होगा? Correction कैसा होगा? Positive। अगर लेस देन होगा तो नेगेटिव। लेस देन होगा तो नेगेटिव। क्लियर हुआ? क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोमीटर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे कैलिब्रेट किया जाता है, बट अगर रूम टेम्परेचर या जिस भी लैब में हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर अगर 27 डिग्री से ज्यादा होगा वी आर कंसिडर एज द पॉजिटिव, और कम होगा तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब क्यों लेंगे, किसी को रीजन पता है? Why we are taking positive if the temperature is greater than 27 and why we are taking negative if the temperature is less than 27 degree Celsius? बताइए, किसी को पता है? Yes या no? बताइएगा, नोट करके डन भी करना है, और अगर रीजन पता है कि Why we are taking as positive and why we are taking as negative, तो ये भी बताइएगा कि क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं और क्यों नेगेटिव ले रहे हैं। नोट करके डन करिएगा, बताइएगा। डन, वेरी गुड। पता है आपको किसी को भी? ऋषिकेश एंड श्रेया? नो? चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सर 27 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव लेंगे और 27 से कम होगा तो नेगेटिव लेंगे, तो उसका रीजन देखिए। यहाँ अपना स्टेटमेंट है और इसके नीचे अपन इसका रीजन देखेंगे। मैं आपके सामने दो हाइड्रोमीटर बना रहा हूं, ठीक है? अब इसमें देखिएगा होगा क्या, एक में टेम्परेचर ज्यादा और एक में टेम्परेचर कम। तो हमने देखा कि वाटर लेवल तो क्या था, यहां पे था, ये तो हो गई अपनी एक्चुअल रीडिंग। कब? 27 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये तो हो गई हमारी एक्चुअल रीडिंग। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस आएगी, रैंडमनेस आएगी तो वॉल्यूम क्या होगा आपका? एक्सपांड करेगा। वॉल्यूम अगर एक्सपांड करेगा तो मतलब ये कुछ यहां पे हो गया रैंडमनेस के वजह से, टेम्परेचर बढ़ाने से, तो ये हो गई नोटेड रीडिंग, नोटेड रीडिंग। अब क्या हुआ, हमें कहां जाना है? नोटेड से एक्चुअल की तरफ जाना है, क्योंकि एक्चुअल 27 डिग्री सेल्सियस पर सर यहां पर रीडिंग थी, पर हमारा जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज था, वो इंक्रीज करने से रैंडमनेस हुई, रैंडमनेस से ये वॉल्यूम क्या हो गया, ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया। अब अपर डायरेक्शन में चला गया तो अपर से लोअर आना है, और मैंने बता रखा है आपको कि जो ये
हाइड्रोमीटर होता है, कि जो हाइड्रोमीटर होता है, इस हाइड्रोमीटर के अंदर अपर में वैल्यू डिक्रीज होती है और लोअर में वैल्यू इंक्रीज होती है, लोअर में इंक्रीज होती है। तो हम कहाँ जा रहे हैं सर? लोअर। लोअर मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही, मतलब कैसा करेक्शन होगा? पॉजिटिव करेक्शन होगा। डन, आ गई बात समझ में? इसी तरह से हम सेकंड पे देखते हैं कि जो एक्चुअल रीडिंग है वो तो 27 डिग्री पे कुछ यहाँ पे थी। दिस वॉज द एक्चुअल रीडिंग थी। बट हुआ क्या कि जब टेम्परेचर डिक्रीज किया, जब टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये कहाँ पे चला गया? कुछ इस पॉइंट पे चला गया। इसको हमने कह दिया नोटेड रीडिंग, रीडिंग नोटेड रीडिंग। तो हमें कहाँ जाना पड़ा? अपर की तरफ जाना पड़ा। और अपर में वैल्यू क्या हो रही है सर? डिक्रीज हो रही है। तो करेक्शन कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ। डन, कोई डाउट है तो बताओ। भाई वो हाइड्रोमीटर बना रखा है, उसमें अपर नेगेटिव होता है, लोअर में पॉजिटिव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नोट करके डन करिएगा, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। कोई डाउट? नो, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं द लास्ट करेक्शन विच इज नोन एज डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन, या एक और नाम उसका होता है डीफ्लोक्युलेटिंग एजेंट करेक्शन। डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन और डीफ्लोक्युलेटिंग एजेंट करेक्शन। तो लिखिएगा, द थर्ड वन इज, द थर्ड वन इज डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन स्लैश डीफ्लोक्युलेटिंग एजेंट करेक्शन। डिस्पर्जिंग एजेंट, सी डी, डिस्पर्जिंग एजेंट या डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन। अब डिस्पर्जिंग एजेंट डालते ही, ठीक है, डिस्पर्जिंग एजेंट डालते ही क्या हो जाती है सर? डेंसिटी बढ़ जाती है। डिस्पर्जिंग एजेंट के ऐड करते ही डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ते ही क्या हो जाता है? वॉल्यूम कम हो जाता है। डेंसिटी बढ़ते ही वॉल्यूम कम हो जाता है, जब एक्चुअल क्या होगा सर? ज्यादा होना चाहिए, बट डीफ्लोकुलेटिंग ऐड करने से डेंसिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो हम अपर डायरेक्शन में बढ़ते हैं, अपर डायरेक्शन में वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, मतलब नेगेटिव होगा करेक्शन। ठीक है, तो लिखिएगा, ड्यू टू राइज इन डेंसिटी, डायग्राम बनाऊंगा मैं आपको, रुकिएगा। ड्यू टू द राइज इन डेंसिटी, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट डालते ही डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर डेंसिटी बढ़ गई तो वो लेवल क्या हो जाएगा सर? नीचे की तरफ आ जाएगा। वो लेवल क्या हो जाएगा सर? नीचे की तरफ आ जाएगा। देयरफोर सी डी इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। डायग्राम में आपके सामने बना देता हूं अभी। डायग्राम में क्या है कि सिंपल सा एक ये है आपका, ठीक है, तो यहां पे था आपकी एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग। अब आपने जिस सस्पेंशन के अंदर इसको डाला था उसमें आपने डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट बना दिया, तो यहां पे तो थी आपकी एक्चुअल रीडिंग, और जैसे आपने डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट डाला ये लेवल क्या हो गया? ये कम हो गया, और ये कहां पे चला गया? ये इस पॉइंट पे चला गया। दिस वॉज दी नोटेड रीडिंग, नोटेड रीडिंग आफ्टर एडिंग दी डिस्पर्जिंग एजेंट, ये नोटेड रीडिंग है। अब हमें क्या करना है? अपर डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है, उस एक्चुअल रीडिंग की तरफ। और अपर जब बढ़ते हैं तो वैल्यू ऊपर की तरफ में क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो ये नेगेटिव होगा। देयरफॉर सी डी इज ऑलवेज नेगेटिव। आ गया कंसेप्ट समझ में? क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव?
चलिए अब आते हैं अपन एक फॉर्मूले का, और वो फॉर्मूला है इफेक्टिव हाइट या इफेक्टिव डेप्थ को निकालने का बाय हाइड्रोमीटर। एच ई इफेक्टिव हाइट बोल दीजिए, इफेक्टिव डेप्थ बोल दीजिए। फॉर्मूला लिखिएगा एच वन प्लस हाफ ब्रैकेट के अंदर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ द बल्ब डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द जार वी अपॉन में एजे या वी एच अपॉन में एजे लिख दीजिए। ये फॉर्मूला है आपका, ये इफेक्टिव डेप्थ निकालने का। एच ई क्या है आपका, एच ई इज रिसेम्बल एज इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ होता है इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर हुआ? अब ये इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है थोड़ा सा सर ये बता दीजिए कि इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है। बिल्कुल बताएंगे, उससे पहले सारे नोटेशंस लिख दो कि ये एच वन क्या है या वी एच क्या है और ये एजे क्या है। एच वन जो है वो है आपका डिस्टेंस बिटवीन दी हाइड्रोमीटर रीडिंग एंड दी नेक, डिस्टेंस बिटवीन दी हाइड्रोमीटर रीडिंग एंड दी नेक, नेक और हाइड्रोमीटर रीडिंग के बीच का डिस्टेंस है। अभी देखिएगा कि कौन सा डिस्टेंस है, मैं बताता हूं आपको जो हमने डायग्राम बनाया था। ये देखो हाइड्रोमीटर रीडिंग और नेक, ये जो एच है यही एच वन है, आ गई बात समझ में? ये जो एच है वही वहां पे अपन ने एच वन लिख रखा, चाहो तो आप इसको एच भी लिख सकते हो। हाइड्रोमीटर रीडिंग ये रही और नेक ऑफ द बल्ब ये रहा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? बताओ एच वाला क्लियर? बताइए जल्दी से, कैपिटल एच वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फास्ट, अगर क्लियर हुआ है तो। फिर अपन आएंगे स्मॉल एच पे, लेंथ ऑफ हाइड्रोमीटर बल्ब, ये रहा स्मॉल एच आपका, लेंथ ऑफ हाइड्रोमीटर बल्ब। ठीक है, यहां देखिए स्मॉल एच जो है स्मॉल एच जो है स्मॉल एच जो है ये लेंथ ऑफ हाइड्रोमीटर बल्ब की लेंथ है, लेंथ ऑफ हाइड्रोमीटर बल्ब। हाँ, एच वन इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल रीडिंग एंड द नेक, बिल्कुल एक्चुअल रीडिंग और नेक के बीच का डिस्टेंस है वो एच वन है। क्लियर है? एच जो हो गया लेंथ ऑफ हाइड्रोमीटर बल्ब हो गया, एंड वी ए वी एच इज द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब, वी एच इज द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब, बल्ब का वॉल्यूम। ए जे इज द एरिया ऑफ द जार, एरिया ऑफ द जार, एरिया ऑफ द जार मतलब जिसके अंदर उस हाइड्रोमीटर को रख रखा था, प्लेस कर रखा था। ठीक है, तो इस जार का बोल रहे हैं, ये जो जार है इस जार के एरिया की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द जार लिख दीजिए, कौन सा एरिया, वो भी कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है,
हर एक चीज क्लियर। एच वन प्लस हाफ स्मॉल एच माइनस वी एच अपॉन में ए जे, यह है आपका एच ई इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ की डेफिनेशन लिखनी हो, अगर इफेक्टिव डेप्थ की डेफिनेशन लिखनी हो तो ये क्या होता है, इट इज दी डिस्टेंस फ्रॉम दी सरफेस ऑफ, लिखिएगा इट इज दी डिस्टेंस फ्रॉम दी सरफेस ऑफ सॉइल सस्पेंशन टू दी लेवल टू दी लेवल एट विच द डेंसिटी ऑफ सॉइल सरफेस सस्पेंशन एट विच दी डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन इज बींग मेजर्ड। ये इफेक्टिव डेप्थ होती है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, इफेक्टिव डेप्थ का मतलब कि सर ये वो डिस्टेंस है जो सॉइल सस्पेंशन की सरफेस से, अगर मैं बात करूं ये अगर सॉइल सस्पेंशन का सरफेस है, उस सरफेस से लेके एट द लेवल है, जिस लेवल पे हम डेंसिटी मेजर कर रहे हैं उस पॉइंट को बोलते हैं, उस पॉइंट के बीच के, अगर यहां तक कर रहे हैं तो इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एच इफेक्टिव डेप्थ। तो फ्री सरफेस से या सॉइल सस्पेंशन से जिस भी लेवल पे हम डेंसिटी मेजर कर रहे हैं सॉइल सस्पेंशन की, उसके बीच की जो डेप्थ है वो इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं मेथड्स टू डिटरमाइन। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, एक प्री ट्रीटमेंट और एक पोस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है? दो ट्रीटमेंट होते हैं सस्पेंशन को बनाने से पहले और एक बनाने के बाद, एक होता है प्री ट्रीटमेंट और एक होता है पोस्ट ट्रीटमेंट। क्या बता दिया था या नहीं बताया था, बताओ। अगर बता दिया है प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट तो ठीक है, और नहीं बताया था बताइए, हो गया था यस या नो? हो गया था क्या ये प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट? एक होता है रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के लिए, दूसरा होता है फ्लोक्स को ब्रेक करने के लिए। नहीं हुआ था तो लिखिएगा, सस्पेंशन जब रेडी करते हैं तो सस्पेंशन को रेडी करने से पहले वो जो सॉइल है जिसका हम सस्पेंशन बनाने वाले हैं उस सॉइल के ऊपर प्री ट्रीटमेंट होता है, ठीक है? तो लिखिएगा प्री ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट। अब बात आती है कि सर प्री ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, तो वो लिखिएगा इट इज यूज्ड टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर एंड कैल्शियम कंपाउंड, इट इज यूज्ड टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर मैटर एंड कैल्शियम कंपाउंड। अगर जो भी सॉइल है उस सॉइल का अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, उस एनालिसिस कर रहे हैं तो उस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है या कैल्शियम कंपाउंड प्रेजेंट है तो उनको क्या करना है, हमें रिमूव करना है।
उनको क्या करना है, हमें रिमूव करना है बिफोर प्रिपेयरिंग दी सस्पेंशन। सस्पेंशन को बनाने से पहले उसको हमें क्या कर देना है, रिमूव करना है। अब रिमूव किस तरह से किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कंपाउंड को, तो उसमें कंपाउंड ऐड किया जाता है। और अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक मैटर के लिए, तो ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए लिखो, टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर, टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर H2O2 इज एड, ठीक है, टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर H2O2 इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एड किया जाता है, और टू रिमूव कैल्शियम कंपाउंड, टू रिमूव कैल्शियम कंपाउंड, अगर कैल्शियम कंपाउंड को हम अगर रिमूव कर रहे हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है, HCl एसिड का यूज किया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। क्लियर हुई दोनों बातों को नोट करेगा, दिस वॉज दी प्री ट्रीटमेंट। ये होता है आपका प्री ट्रीटमेंट, कि अगर प्री ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कंपाउंड को रिमूव करते हैं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए, और कैल्शियम कंपाउंड को रिमूव करने के लिए HCl एसिड का यूज किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें पोस्ट ट्रीटमेंट की, कितना नोट करके डन करिएगा एक बार, डन, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पोस्ट ट्रीटमेंट। तो सेकंड वन इज दी पोस्ट ट्रीटमेंट। पोस्ट ट्रीटमेंट में क्या होता है, तो लिखिएगा क्यों किया जाता है पोस्ट ट्रीटमेंट। तो पोस्ट ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है टू ब्रेक दी फ्लोक्स। क्या होता है कि जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं, फाइनल पार्टिकल्स, ये ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं फ्लोक्स, लार्ज साइज पार्टिकल बना लेते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जुड़ के, जिससे आपका जो रिजल्ट है, जो आपका साइज है पार्टिकल साइज एनालिसिस, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। उसके लिए उस फ्लोक को ब्रेक करना है। फ्लोक पढ़ते हैं, एनवायरमेंट के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज साइज पार्टिकल, इट इज नोन एज दी फ्लोक। फ्लोकुलेशन में जो बनता है उसमें अपन डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं। सेम इस कंसेप्ट में भी होता है, अगर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, फाइनर पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्लोक। तो उस फ्लोक को रिमूव करना होता है पोस्ट ट्रीटमेंट के अंदर। अब क्या करेंगे, तो इसमें लिखिएगा इट इज यूज टू ब्रेक दी फ्लोक्स फ्रॉम दी सस्पेंशन, इट इज यूज टू, तो पोस्ट क्यों बोला, सस्पेंशन बनने के बाद, इट इज यूज टू ब्रेक दी फ्लोक्स फ्रॉम द सस्पेंशन। फ्लोक्स को ब्रेक करना होता है। अपना इसमें एम क्या होता है कि जैसे अपन ने उस फाइनल पार्टिकल ऑफ सॉइल को अपन ने उसमें ऐड किया उस लिक्विड के अंदर, तो ऐड करते ही क्या बन गया, वो फ्लोक्स बन गए, वो बड़े साइज के पार्टिकल बन गए, जिससे रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं पाएगा, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं फाइनर पार्टिकल की, और वो मिलके तो क्या हो गया, बिगर पार्टिकल बन गया। तो सस्पेंशन बनने के बाद में हम उसके अंदर क्या करते हैं, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं, इसलिए उसको पोस्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ, इट इज यूज टू ब्रेक द फ्लोक्स फ्रॉम द सस्पेंशन। सस्पेंशन में से फ्लोक को ब्रेक करना है आपको। क्लियर हुआ, तो वी आर एडिंग डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट, एजेंट इज एडेड, एडेड इन सस्पेंशन, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐड किया जाता है सस्पेंशन के अंदर। आ गई बात क्लियर, क्या चीज ऐड करेंगे सर, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐड करेंगे किसमें सर, सस्पेंशन के अंदर। अब कॉमनली यूज डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट कौन सा है, ये आपने पढ़ा होगा सोडियम हेक्सा, पढ़ा है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का यूज करते हैं। तो लिख दीजिएगा इसके अंदर सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटा
फॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट का यूज करते हैं, NaPO3 का होल 6। अगर फॉर्मूला पूछे ऐसे तो नहीं पूछता है, NaPO3 का होल 6 सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट। क्लियर हुआ? ये डीफ्लोरेटिंग एजेंट होता है। क्लियर हुआ? क्या कोई डाउट है? नोट करके डन करिएगा, फिर अपन आते हैं मेथड्स टू डिटरमाइन यूनिट वेट ऑफ सॉइल। नोट हो गया? क्लियर तो डन करिए फास्ट। वेरी गुड। चलिए मेथड्स टू डिटरमाइन यूनिट वेट ऑफ सॉइल, वाटर कंटेंट पढ़ चुके थे, अब हम यूनिट वेट पे आ रहे हैं। तो लिखिएगा मेथड्स टू डिटरमाइन यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। कौन कौन से मेथड्स होते हैं विच इज यूज टू डिटरमाइनिंग यूनिट वेट ऑफ सॉइल? तो वो होते हैं कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड एंड वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तीन मेथड होते हैं, कौन सा? कोर कटर, सैंड रिप्लेसमेंट एंड वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो लिखिएगा कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड। नेक्स्ट वन इज दी सेंड रिप्लेसमेंट मेथड, सेंड रिप्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट वन इज दी वाटर डिस्प्लेसमेंट, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। नोट करिए कोर कटर, सेंड रिप्लेसमेंट, वाटर डिस्प्लेसमेंट। अब अपन आते हैं फर्स्ट मेथड पे। द फर्स्ट वन इज दी कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड। चलिए फर्स्ट मेथड जो है वो कौन सा है? कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड जो होता है, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, कोर कटर जो होता है, ये सिलेंड्रिकल वेसल होती है। इट इज अ सिलेंड्रिकल वेसल। उस सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर, डेप्थ होती है 12.5 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम होता है 1000 cc या सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ? तो इसमें कुछ इसमें छोटी छोटी सी बातें जो आपको नोट करनी है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज अ सिलेंड्रिकल वेसल, इट इज अ सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर, हैविंग डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड डेप्थ, या हाइट बोल सकते हैं, डेप्थ इज
12.5 सेंटीमीटर, फिर वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, वॉल्यूम ऑफ कोर कटर इज 1000 cc, और वी कैन से सेंटीमीटर क्यूब, कितना होगा 1000 cm³ जो होता है वो वॉल्यूम होता है अपना कोर कटर का। नोट करिएगा, ये कुछ इस तरह का दिखता है आपका, ये कुछ इस तरह का दिखता है सिलेंड्रिकल वेसल, जो 10 cm जो इसका डाया होता है और 12.5 cm इसकी डेप्थ होती है, और इसका वॉल्यूम जो होता है ये 1000 cc होता है। नोट करके डन करिएगा, और एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि जो कोर कटर मेथड होता है किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है, ये भी बताइएगा। जो कोर कटर मेथड होता है ये किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज किया जाता है, या फिर बता दीजिए किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज नहीं किया जाता, दोनों में से एक क्वेश्चन बता दीजिए, किसके लिए यूज किया जाता है या किसके लिए यूज नहीं किया जाता है। और नोट करके डन भी करिएगा, नोट कर लो तो डन करिएगा। नोट कर लिया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फास्ट। वेरी गुड, चलिए तो अब बनाते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा था, आंसर किसी को पता है, यस या नो, केवल यस या नो, कोर कटर यूज फॉर क्लेई सॉइल। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये तो पता है आपको क्लेई सॉइल या फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज किया जाता है, बट अब मैं क्या पूछने वाला हूं, Why it is only used for the fine grain soil? ये बताइए, इसका रीजन पता है, यस या नो, कि क्यों सर केवल ये कोर्स फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही है, इसका रीजन पता है, यस या नो? नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, बताइए। ये तो आपका आंसर सही था, इट इज यूज फॉर क्ले सॉइल, और वी कैन से इट इज यूज फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल, बट वाई इट इज ओनली यूज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल इज वॉज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। अब होता क्या है सर, ये कोर कटर है, इस कोर कटर को हम ग्राउंड के अंदर पंच करते हैं, आपने किया है, आपने जो आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कभी आपने इसका टेस्ट किया है, कोर कटर टेस्ट, कोर कटर टेस्ट किया है आपने या नहीं? यस किया है, तो क्या करते हैं उस कोर कटर को ग्राउंड में पंच करते हैं, लेवल सरफेस करते हैं, लेवल सरफेस का उसको ग्राउंड में पंच करते हैं, और ग्राउंड में जब पंच करते हैं और पंच करने के बाद उसको कोर कटर को धीरे से उसको निकालते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, सॉइल का सैंपल हो जाता है, ठीक है, सैंपल उसके अंदर रह जाता है सॉइल का, तो किस टाइप ऑफ सॉइल उसके अंदर रुक पाएगी सर, फाइन ग्रेन सॉइल, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल में तो कोहिजन होता ही नहीं है। जैसे अगर बात करें, अगर रेती के अंदर जो, अगर बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, जो बजरी आपके वहां पता नहीं क्या बोलते, रेती जो होता है, उस रेती के अंदर सैंड के अंदर आप उसको अगर आप डालेंगे और फिर निकालोगे तो एम्प्टी ही निकलेगा, वो खाली निकलेगा, उसमें सैंपल ही नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि सर वो कोहिजन लेस सॉइल है, जिसमें कोहिजन लेस सॉइल है उसमें बॉन्ड नहीं बनेगा, और बॉन्ड नहीं बनेगा तो सैंपल उस कोर कटर के अंदर नहीं आ पाएगा। तो किस लिए करते हैं सर, फाइन ग्रेन सॉइल में कोहिजिव नेचर की होती है तो वो बॉन्ड बना लेगी, जैसे उसको पंच करेंगे तो उसके साथ में आपकी सॉइल निकल के आएगी, तो इसलिए इट इज ओनली यूज फॉर दी फाइन ग्रेन सॉइल, और वी कैन से कोहिजिव सॉइल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। आगे समझ में, क्योंकि तो कोहेसिव सॉइल होगी तभी तो वो बॉन्ड बनाएगी, कोहेजन लेस सॉइल बॉन्ड नहीं बनाएगी, जैसे आप उसको पंच करोगे वापस जब आप उसको निकालोगे तो वैसे की वैसे एम्प्टी रह जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, और वो पॉइंट क्या लिखना है आपको, वो ये लिखिएगा कि इट इज यूज फॉर कोहेसिव सॉइल, इट इज यूज फॉर कोहेसिव सॉइल,
कोहेसिव सॉइल, और वी कैन से ब्रैकेट में लिखिएगा फाइन ग्रेन सॉइल, और जो आप बोल रहे हैं क्ले सॉइल भी वही फाइन ग्रेन सॉइल का ही पार्ट है। इसके अंदर क्या हो सके, एक सैंपल बन सके, है ना, तो सैंपल निकल सके, उसके लिए अपन इसको परफॉर्म करेंगे। नॉट यूज्ड फॉर हार्ड और ग्रेवल्स, ठीक है, नॉट यूज फॉर हार्ड सॉइल और ग्रेवल्स, हार्ड सॉइल या कोर्स सॉइल एंड ग्रेवल्स, इनके लिए इसको यूज नहीं करें, क्योंकि जब इसको निकालोगे ग्राउंड से पंच करने के बाद तो उसमें कोई भी सैंपल आपका नहीं निकलेगा। अगर कोई सैंपल नहीं निकलेगा तो रीडिंग किसकी आएगी, यूनिट वेट किसका निकालोगे। तो अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट, सभी को पता होगा अगर लैब में कर रखा है तो, एक तो होता है डब्ल्यू वन, एक होता है आपका डब्ल्यू टू, एक होता है डब्ल्यू वन, एक होता है डब्ल्यू टू। तो अगर बात करें, डब्ल्यू वन इज द एम्प्टी वेट ऑफ कोर कटर, पहले उसका एम्प्टी, जब बिना सैंपल लेने से पहले उसका वेट कर लेंगे। दूसरी बार, वेट ऑफ कोर कटर प्लस सॉइल, जब हमने ग्राउंड में पंच करने के बाद उसको जब बाहर निकाला तो कोर कटर भी था और सॉइल भी, दोनों का अपन ने मिक्स वेट ले लिया, एक बार एम्प्टी वेट और एक बार वेट ऑफ कोर कटर प्लस सॉइल। तो वेट ऑफ सॉइल कितना निकल जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा आपका, कैपिटल डब्ल्यू विल रिप्रेजेंट द वेट ऑफ सॉइल, ये क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉइल। कैसे निकालोगे वेट ऑफ सॉइल, ये सबसे आसान है, तो पता ही होगा कि सर W2 में से W1 को माइनस कर देंगे, W2 में W1 को माइनस कर देंगे तो कोर कटर से कोर कटर कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल क्या बच जाएगी, सॉइल बच जाएगी। पर हमें सर वेट तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है सर, हमें तो निकालना है यूनिट वेट, क्या निकालना है हमें, यूनिट वेट निकालना है। तो यूनिट वेट कैसे निकालेंगे वो बताइएगा, बिल्कुल। तो अब देखिए हम आपको वही बताते हैं यूनिट वेट कैसे निकालेंगे। यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है वेट बाय वॉल्यूम, तो सर वेट तो यहां से मिल गया, वॉल्यूम सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा पाई बाय फोर डी स्क्वायर इंटू एच। क्लियर है, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, यहां से वॉल्यूम और ये वेट आ गया, तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास निकल जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास। अगर ड्राई यूनिट वेट निकालना है तो गामा डी इज इक्वल टू गामा वन प्लस डब्लू, ठीक है, तो गामा वन प्लस डब्लू ये भी निकल जाएगा, गामा यहाँ से पुट कर देना है, यहाँ से गामा पुट कर देना है, और डब्लू कहां से निकालोगे, डब्लू कहां से निकालोगे जल्दी से बताइएगा फास्ट, बताइएगा ड्राई यूनिट वेट निकालना है आपको, डब्लू कहां से निकालोगे, फिर स्मॉल डब्ल्यू है ये, वाटर कंटेंट है बेटा, स्मॉल डब्ल्यू कहां से निकालोगे, अरे जो पहले मेथड पढ़े थे हमने, मेथड्स डिटरमाइनिंग द वाटर कंटेंट, पिकनोमीटर मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ओवन ड्राई मेथड, रैपिड मॉइस्चर, जो मन करे किसी मेथड से अपन क्या करेंगे निकाल लेंगे, जनरली हम निकालते ओवन ड्राई मेथड से, बिकॉज इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। आ गई बात समझ में, नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद में डन कर दीजिएगा। डन, वेरी गुड। अब अपन आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, नेक्स्ट मेथड इज सेंड रिप्लेसमेंट मेथड, नाम से ही क्लियर है, सेंड रिप्लेसमेंट। सेकेंड मेथड इज सेंड रिप्लेसमेंट मेथड। सेंड रिप्लेस मेथड में क्या करेंगे, जिस भी सॉइल का आपको यूनिट वेट निकालना है तो पहले तो लेवल सरफेस करेंगे, लेवल सरफेस करने के बाद में वहां पे आप एक डिग करोगे, पिट खोदोगे, खड्डा खोदोगे,
और वहां से आप सॉइल को निकाल लोगे, एक खड्डा खोदोगे, वहां से आप क्या करोगे, सॉइल को निकाल लोगे। और उस सॉइल को निकालने के बाद में एक मेजरिंग जार से हम उसके अंदर सॉइल वापस रिफिल करेंगे, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम यूनिट वेट निकाल लेते हैं। तो पर ये सर, ये मेथड जो है, ये किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए है? तो हमने पहले कोर कटर किया, वो तो फाइन के लिए था, ये हार्ड और ग्रेवली सॉइल के लिए। ऐसी सॉइल जिनका हम कोर कटर मेथड से यूनिट वेट नहीं निकाल सकते, उस टाइप ऑफ सॉइल के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ये जनरली हाईवे या पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखिएगा इसके अंदर, दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ, दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ हार्ड एंड ग्रेवली, हार्ड एंड ग्रेवली या हार्ड सॉइल एंड ग्रेवल्स लिख दीजिए, हार्ड सॉइल एंड ग्रेवल्स, हार्ड सॉइल और ग्रेवल्स के लिए इसको यूज किया जाता है। सेकंड बात लिखिएगा, इट इज यूज्ड इन, और इट इज जनरली यूज्ड इन यूज्ड इन हाईवे कंस्ट्रक्शन। कहां पे यूज करेंगे, हाईवे कंस्ट्रक्शन में इसको यूज करा जाता है। दूसरी अगर बात करेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिएगा, गुड। अब डायग्राम देखिएगा किस तरह इसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ग्राउंड को फेयरली लेवल कर दिया, इस ग्राउंड को लेवल कर दिया, और यहाँ पे हमने एक ट्रे रख दी। इसके ग्राउंड के ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक पिट खोदने के बाद में, ये पिट हमने यहाँ पे खोदी है, ये पिट का जो शेप है, ये देखो कुछ इस तरह से है ये पिट का शेप। हमने पिट खो दिया है जहां से हमने सॉइल निकाल लिया, जहां से हमने हार्ड और ग्रेवल्स वाली जो सॉइल है वो हमने सॉइल निकाल ली है। और निकालने के बाद में इस पे इन्वर्टेड जार रखते हैं, उस में जार में से इसके अंदर सॉइल को अगेन फिल करते हैं। तो जितनी सॉइल निकाली, तो वो तो क्या हो गया, वेट ऑफ दी सॉइल, क्योंकि क्या निकालना है हमें, गामा, वेट बाय वॉल्यूम। तो कितनी सॉइल इस पिट से निकाली है वो तो अपन मेजर कर लेंगे, ट्रे के अंदर वेट कर लेंगे, वेट ऑफ दी सॉइल। ये क्या है आपकी, एक ट्रे है, ट्रे में पुट करके उसका वेट मेजर कर लेंगे, ये तो हो गई वेट ऑफ दी सॉइल। अब क्या करेंगे, उस इन्वर्टेड जार के थ्रू अगेन उसके अंदर सॉइल फिल करेंगे, और जार के से वॉल्यूम अपन मेजर कर लेंगे, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल उसके अंदर फिल हुआ है। तो वो डायग्राम कुछ किस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, यहाँ पे एक टैप लगा होता है, वो टैप को हम कंट्रोल करते हैं, और इस टैप के ऊपर, इस टैप के ऊपर एक इन्वर्टेड जार होता है, इस टैप के ऊपर एक इन्वर्टेड आपका जार होता है। डायग्राम ही बड़ा अजीब है, कैसे है, उसके बाद में यहाँ पे एक ऐसा लगा हुआ है जार,
ये जार है, इस जार में से क्या होता है आपका सॉइल होता है, जो इस सॉइल कहाँ पे आएगा इसके अंदर फिल करेगा, ये आपका है जार, ये जार है, और ये क्या है इसके अंदर सॉइल है, ये आपका सॉइल है, ये जार है और ये आपका सॉइल है, क्लियर हुआ? इस जार में से सॉइल क्या करेगा, फिल करेगा, इस जार में सॉइल अगेन इस पिट के अंदर, दिस इज कॉल्ड दी इस पिट के अंदर फिल होगा, यहाँ पे वॉल्यूम मेजर होगा, तो वेट बाय वॉल्यूम क्या निकल के आ जाएगा आपका, वेट बाय वॉल्यूम क्या निकल के आ जाएगा आपका, यूनिट वेट, ये ऊपर जार है, इन्वर्टेड जार है, इसका टैप को जब ओपन करेंगे, इसको टैप को जब ओपन करेंगे अपन, तो यहाँ से सॉइल क्या होगी इस पिट के अंदर फिल होगी, तो कितना वॉल्यूम है वो इस पे अपने को दिख जाएगा, कितना वॉल्यूम है वो अपने को इसमें दिख जाएगा, क्लियर हुआ? जब अपन ने इस पिट को में से सॉइल निकाली, उस सॉइल का स्ट्रे के अंदर वेट किया, उसका वेट मेजर करा, वो हो गया कैपिटल डब्ल्यू, और उसके बाद में इस इन्वर्टेड जार के अंदर अपन ने क्या किया, सॉइल फिल करी, अगेन ये सॉइल इस पिट को कवर करेगी, तो कितना वॉल्यूम इसने कवर किया, कितना वॉल्यूम इसने कवर किया, वो वॉल्यूम मेजर हो जाएगा, तो वेट बाय वॉल्यूम विल गिव यू दी यूनिट वेट, ये यूनिट वेट आपको दे देगा, और कोई डाउट? वो यूनिट वेट आपको दे देगा, ठीक है? अब बात करें कि किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए, तो वो आपको बता ही दिया है कि इट इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल, कोहेसिव सॉइल के लिए, कोहेजन लेस सॉइल के लिए, मतलब आपको हार्ड सॉइल और ग्रेवल्स के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है? बताओ, हो गया डन? नोट करने के बाद डन, वेरी गुड। चलिए तो फिर अपन देखते हैं, लास्ट इज द वाटर डिस्प्लेसमेंट, इस पे भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, गेट के अंदर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो द नेक्स्ट थर्ड मेथड इज वाटर डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल, बताइएगा, किसी को पता है कि वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है, जल्दी से बताइए। जो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है ये आपका हाईली प्लास्टिक एंड कोहेसिव सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है, हाईली प्लास्टिक सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है, हाईली प्लास्टिक सॉइल के लिए एप्लीकेबल क्यों होता है, मतलब जिसका लंप सैंपल बन सके, जिसकी बॉल बन सके, वो किसकी बनेगी बॉल, सर कोहेसिव सॉइल की बनेगी, बिल्कुल बनेगी, कोहेजन लेस की तो बन ही नहीं सकती, तो हाईली प्लास्टिक सॉइल के लिए अपन किसका यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें अपन बॉल बना सके, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। तो सबसे पहला एक पॉइंट लिखिएगा, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दिस मेथड यूज फॉर हाईली कोहेसिव, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर हाईली कोहेसिव एंड प्लास्टिक, हाईली कोहेसिव एंड स्टिकी टाइप सॉइल, हाईली कोहेसिव एंड स्टिकी टाइप सॉइल या प्लास्टिक सॉइल भी कह सकते हैं, जिसका लंप सैंपल बन सके। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा कि वेयर इट इज पॉसिबल टू हैव, वेयर इट इज पॉसिबल टू हैव लंप, लंप होता है एक बॉल जिसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना सीमेंट के अंदर लंप्स हो गए, लंप्स मतलब बॉल्स बन गई है, जिसका है लंप सैंपल, जिसका एक बॉल बन सके उस टाइप, तो वो कौन सी होगी, फाइन ग्रेन सॉइल होगी, हाईली स्टिकी और प्लास्टिक सॉइल के लिए होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इज यूज फॉर विच काइंड ऑफ सॉइल,
तो हाईली प्लास्टिक एंड स्टिकी सॉइल के लिए इसको यूज किया जाता है। और बताइए, अब इंटरेस्टिंग क्या है सर इसमें वो देखिएगा, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इंटरेस्टिंग क्या है वो बताता हूँ आपको। यूनिट वेट निकालना है अपने को, और इंटरेस्टिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, पहले नोट करके डन करिएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नोट किया, देखो थोड़ा सा ओवर भी देता हूं जब तक आप नोट कर रहे हो। होता क्या है कि ये जो टेस्ट है ये हाईली प्लास्टिक और स्टिकी सॉइल, मतलब जिसका लंप सैंपल बन सके उसके अपन एक बॉल बना ली, उसकी अगर ये हमने एक बॉल बना ली और उस बॉल के ऊपर वैक्स की कोटिंग कर देते हैं, उस बॉल के ऊपर वैक्स की कोटिंग कर देते हैं, और इस वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल को हम क्या कर देते हैं उस वाटर के अंदर टिप कर देते हैं, तो कितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया, ठीक है, कितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया वो मेजर करेंगे। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, अपना यूनिट वेट निकाल लेंगे, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेट निकाल लेंगे। नोट कर लिया सभी ने, जल्दी से बताओ तो फिर मैं बताऊं कैसे क्या होता है। वेरी गुड, चलिए तो यहां पे देखिएगा W1 मैं लिखने वाला हूं। W1 क्या होता है आपका, W1 इज दी वेट ऑफ दी सॉइल सैंपल, वेट ऑफ दी सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल का वेट, जो हमने सॉइल का सैंपल बनाया उसका वेट हो गया W1। अब हम लिखने वाले W2। W2 क्या होता है, W2 जो होता है वो वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल, ठीक है, W2 इज दी वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल, मतलब सॉइल प्लस वैक्स है, एक नॉर्मल बॉल है, एक सॉइल का सैंपल है, और ये है आपका सेकेंड सॉइल का सैंपल, ये W1 है और ये W2 है। इसमें है W2 क्यों है, क्योंकि सर इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम वैक्स की कोटिंग कर देते हैं। ये क्या है, ये वैक्स कोटिंग है, वैक्स कोटिंग है, और ये क्या है आपकी सॉइल, ये क्या है आपकी सॉइल। तो W2 हो गया वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल, W1 तो क्या हो गया आपका सॉइल सैंपल, और W2 के ऊपर एक थिन लेयर लगा दी वैक्स की और वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल हो गया। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले तो निकालना है वॉल्यूम ऑफ वैक्स या वेट ऑफ दी वैक्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं, डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकालेंगे कि कितना वॉल्यूम है वैक्स का, वैक्स का वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला सर यूनिट वेट होता है वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, तो यूनिट वेट ऑफ वैक्स निकालना है तो वेट ऑफ वैक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो यूनिट वेट आपको वैक्स का गिवन होगा, तो वॉल्यूम निकालना है कितना वॉल्यूम है उस वैक्स का, तो वेट ऑफ वैक्स अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वैक्स लिख सकते हैं, उसको उसको कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हैं, वी उधर चला गया, गामा नीचे आ गया, तो वी बाय डब्ल्यू बाय गामा। तो वेट ऑफ वैक्स से निकालेंगे W2 में से अगर W1 माइनस कर दें, और ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, W2 में W1 माइनस कर दे, W2 से W2 कैंसिल हो गया, मतलब सॉइल से सॉइल कैंसिल हो गया, क्या बच गया, केवल वैक्स बच गया। अगर 600 ग्राम 600 ग्राम का एक सॉइल का सैंपल था, उस पर वैक्स कोटिंग करने के बाद कितना बच गया, 605 ग्राम का बच गया, वो W2 हो गया, तो 605 माइनस 600 कितना आ गया, 5 ग्राम, तो 5 ग्राम क्या आ गया, वेट ऑफ द वैक्स। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, वेट ऑफ द वैक्स कैसे आया, वेट ऑफ द वैक्स क्लियर हुआ। अब बात आ रही है, जल्दी से बताइए फास्ट, ये क्लियर हुआ ये पॉइंट,
जल्दी बताइए, कोई डाउट है तो भी बता दीजिए, क्लियर है तो बता दीजिए। बिल्कुल क्लियर हुआ। तो सर हमें तो ऐसा करना ही नहीं था, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो केवल ये फॉर्मूला निकालना है कि यूनिट वेट जो होता है ये क्या है, हमें क्या फॉर्मूला निकालना है, हमें तो केवल यही निकालना है कि जो यूनिट वेट होता है ये वेट बाय वॉल्यूम होता है, और किसका निकालना, सॉइल का। यहाँ वेट किसका आएगा, तो यहाँ पे आएगा वेट ऑफ सॉइल मास, ठीक है लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ये आएगा। तो सर फिर वैक्स की क्या जरूरत आ गई, अभी बताते हैं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि ये वेट ऑफ सॉइल मास, वेट ऑफ सॉइल मास तो मैं किस क्या लिख दूँ, डायरेक्टली डब्ल्यू वन लिख देता हूँ। डब्ल्यू वन क्या है, वेट ऑफ सॉइल सैंपल ही तो है, डब्ल्यू वन तो आ गया। हमें पूरी कहानी किस पे चल रही है, इस वी पे चल रही है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल को निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल को निकालना है तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा या वॉल्यूम क्या होगा ये बताइएगा। तो उसका कैसे निकालें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे निकालें, तो टोटल वॉल्यूम का एक फॉर्मूला इस तरह से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ वैक्स, इससे निकाल सकते हैं कि कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ। भाई हम यही तो कहते हैं, किसी भी, अगर आपने पढ़ा है एफएम, एफएम के अंदर बात करते हैं, अगर कोई भी बॉडी आपने ओशियन के अंदर, रिवर के अंदर डम करी है, बॉडी गई है, तो कितना पानी डिस्प्लेस करेगी, जितना उसका वेट होगा, ऐसा कुछ कहते हैं, सुना है आपने। तो उसी तरह से इसकी भी कहानी है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, पर सर ये टोटल वॉल्यूम हुआ है, तो ये तो किसने किया सर, ये तो सॉइल ने भी किया, और ये किसने किया, और सर ये वैक्स ने भी किया, पर हमें किसका चाहिए, सर यह वॉल्यूम ऑफ सॉइल चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, हमें यहाँ पे क्या चाहिए सर, केवल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ही चाहिए, पर ये टोटल वॉल्यूम, अगर मैंने वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल को आपने उस बकेट, उस बीकर में अगर आपने डंप किया था, तो उसने पानी को डिस्प्लेस किया था, वाटर को डिस्प्लेस किया था, पर हमें तो क्या चाहिए यहाँ पे, हम तो यूनिट वेट सॉइल का निकाल रहे हैं, आपने जब डंप किया तो उसके अंदर वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल था, तो वैक्स ने भी किया, सॉइल तो करेगी करेगी, वैक्स ने भी किया, तो उस वैक्स को हमको हटा देना है, क्योंकि हमें वेट ऑफ सॉइल और वेट वॉल्यूम ऑफ क्या आना चाहिए, सॉइल ही आना चाहिए। तो वैक्स को निकाल देता, वॉल्यूम ऑफ वैक्स मैंने माइनस कर दिया, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ, भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, वॉल्यूम ऑफ वैक्स माइनस कर सकते हैं ना, वेरी गुड, समझ में आ गया इसका मतलब। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकाला है, अब पिक्चर क्लियर हुई, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकाला है, ताकि टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वैक्स को माइनस कर दें, तो अब क्या बचेगा, केवल वो वॉल्यूम जो केवल सॉइल सैंपल ने डिस्प्लेस किया है, सर केवल वो वॉल्यूम जो केवल सॉइल सैंपल ने डिस्प्लेस किया है वो बच जाएगा। तो वी क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस तो पता ही होगा कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ वैक्स कर देंगे, तो अब जो आंसर आएगा वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। आ गई बात समझ में, अब जो आंसर आएगा वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, बताओ आ गई बात समझ में। तो ये इस वॉल्यूम को तो कहां पुट करना है, यहां पुट करना है, और W1 क्या है, वेट ऑफ द सॉइल सैंपल, जो पहले जिसकी अपन ने लंप बनाया था, जिसकी हमने बॉल बनाई थी, तो यहां से यूनिट वेट कैलकुलेट हुआ, यहां से यूनिट वेट कैलकुलेट हुआ, देख लीजिए और नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नोट करके डन करिएगा। यस सर, वेरी गुड। अब अपन चलते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है कि जो भी अपन ने अभी पढ़ा है, किसमें, सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस, मतलब पार्टिकल साइज एनालिसिस के अंदर, अब हमें क्या करना है, उसको ग्राफ के थ्रू एग्जामिन करना है, कई बार ग्राफ के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, रेडी है। तो लास्ट टॉपिक है कि हमें वेल ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड सॉइल, ठीक है, इनका ग्राफ बनाना है कि किस तरह से उन्हें वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है और उन पे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो
परसेंटेज फाइननेस वर्सेस डायमीटर के अंदर एक ग्राफ बनता है। यहां पे होता है आपका वाई एक्सिस पे एन परसेंट, इसको बोलते हैं परसेंटेज फाइनर, परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर और यहां पे डाया ऑफ पार्टिकल, परसेंटेज फाइनर और यहां पे डाया ऑफ पार्टिकल। डाया ऑफ पार्टिकल एक्सिस पे परसेंटेज फाइनर, डायमीटर ऑफ पार्टिकल एक्सिस पे परसेंटेज फाइनर वाई एक्सिस पे। अब होता क्या है कि हमने जो उनको एग्जामिन किया था, हमने जो उसके अंदर एग्जामिन किया था, वो क्या एग्जामिन किया था कि सर 75 माइक्रोन के कॉरस्पॉन्डिंग, 0.075 mm से हमने उसको क्या किया था, एनालिसिस किया था। हमने ये बोला था कि 75 माइक्रोन पे अगर मोर देन 50% पार्टिकल, या 75 mm पे, नॉट माइक्रोन, 75 mm पे मोर देन 50% पार्टिकल रिटेन होते हैं तो उसका हम क्या करेंगे, सीव एनालिसिस करेंगे, और लेस देन 50% रिटेन होते हैं तो उसका सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ तो हम डायमीटर को क्या करते हैं, हम इस तरफ डायमीटर को इंक्रीज कर रहे हैं कि यहाँ पे डायमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे डायमीटर क्या हो रहा है, इस तरफ डायमीटर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है मतलब पार्टिकल रिटेंशन ज्यादा हो रहा है, तो डायमीटर इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, कोर्स ग्रेन की तरफ जा रहे हैं, डायमीटर बढ़ रहा है, स्मॉलर पार्टिकल से लार्जर डायमीटर बढ़ रहा है, अपन कोर्स ग्रेन की तरफ जा रहे हैं, और कोर्स ग्रेन की तरफ हम क्या करते हैं, सीव एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे किसका रिजल्ट आएगा, सीव एनालिसिस के थ्रू, मतलब कोर्स सॉइल का होगा। आ गई बात समझ में, किस टाइप ऑफ दी सॉइल, तो सर कोर्स सॉइल का होगा। और इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट की कि इस राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है मतलब स्मॉलर हो रहा है, मतलब फाइन ग्रेन सॉइल, उसका क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। किसका होता है, फाइन ग्रेन सॉइल का, फाइन ग्रेन सॉइल का हम करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है क्या क्या चीजें, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड सॉइल को, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड सॉइल को। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि वो सॉइल जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल हो, यूनिफॉर्म पार्टिकल हो, एक ही साइज के पार्टिकल, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। और वेल ग्रेडेड का मतलब है डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉइल मास आर नोन एज वेल ग्रेडेड सॉइल। सबसे पहले तो वेल ग्रेडेड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड की डेफिनेशन तो लिखो, तभी आगे आप समझ पाओगे। यहां पे लिखिएगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, तो इसमें सिंपल सा लिख दीजिएगा, सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आर ऑफ सेम साइज, ये लिखिएगा, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर ऑफ सेम साइज के हैं मोस्ट ऑफ द पार्टिकल। फिर हम आते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल पे, वेल ग्रेडेड सॉइल की अगर बात करें तो डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, या वैरायटीज ऑफ पार्टिकल, अलग अलग साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे वेल ग्रेडेड, और यूनिफॉर्मली मतलब एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है तो यूनिफॉर्मली। जैसे किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाते हैं तो वहां पे सब एक जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं अगर अलाउ है तो, ठीक है, एक जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब सेम साइज के हैं, मतलब सेम कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी, सबने पिंक पहन रखी तो सभी ने पिंक पहन रखी, क्लियर हुआ, ये हो गया यूनिफॉर्मली। वेल ग्रेडेड इसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल हो, जैसे अगर अपने जाते हैं किसी मैरिज फंक्शन में तो हर जने ने अलग अलग ड्रेस पहन रखी होती, तो वो क्या हो गया आपका, आपका वेल ग्रेडेड हो गया, हर एक कलर और हर एक पैटर्न आपको वहां देखने को मिलेगा।
जबकि कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर सेम कलर की ड्रेसेस मिलेंगी, तो वो क्या होगा, वो हो गई आपकी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और डिफरेंट आर दी वेल ग्रेडेड। अब क्लियर हुआ यूनिफॉर्मली और वेल ग्रेडेड में डिफरेंस? क्लियर हुआ डिफरेंस, वेरी गुड। तो अब ये लास्ट डायग्राम है, एक लास्ट ग्राफ है, उसके बाद अपन यहाँ पे क्लास को स्टॉप करेंगे, कल अगेन अपन इसको स्टार्ट करेंगे। अब अभी सर आपने बता दिया और यहाँ से हम कुछ समझ भी गए हैं, अब थोड़ा सा और देखें। अगर अब हम थोड़ा सा और देखें तो वो क्या है कि हमें अब चार ग्राफ ड्रॉ करने हैं, और वो किस किस के हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, फर्स्ट है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फाइन ग्रेन सॉइल। सबसे पहले तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब क्या हो गया, सेम साइज, तो कोर्स ग्रेन सॉइल इसकी बात कर रहे हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल की। तो कोर्स कहाँ पे पड़ेगा, इधर या इधर सर, इस तरफ। तो यूनिफॉर्मली मतलब सेम नेचर के हैं, मतलब 75 माइक्रोन से या 0.07 mm से छोटे पार्टिकल, तो यूनिफॉर्मली और एक ही साइज के पार्टिकल, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल। ये क्या हो गया, ए ए डायग्राम किसका हो गया, ए रिसेम्बल्स द यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली या पुअरली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन क्यों कहा, क्योंकि ये सीम एनालिसिस और कोर्स ग्रेन तो एक ही तरह के पूरे पार्टिकल कैसे हैं, कोर्सर पार्टिकल, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल। इसी तरह से यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फाइन ग्रेन सॉइल की बात आती है, इसी तरह से यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फाइन ग्रेन सॉइल की बात आती है, तो ये किसका हो गया, फाइन ग्रेन, क्योंकि इस तरफ क्या है, डिक्रीज हो रही है और फाइन ग्रेन, तभी सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फाइन ग्रेन सॉइल की बात आ गई। क्लियर हुआ? तो बी जो ग्राफ है, ये बी जो ग्राफ है, ये किसका है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ग्रेडेड फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। अब वेल ग्रेडेड सॉइल का ग्राफ बनाना है। अब समझ में आ गया कि वेल ग्रेडेड सॉइल का ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि वेल ग्रेडेड का मतलब होता है सर जिसके अंदर दोनों पार्टिकल प्रेजेंट हो, जिसमें कोर्स पार्टिकल भी और फाइन पार्टिकल भी हो, जिसमें दोनों पार्टिकल प्रेजेंट हो, कोर्स पार्टिकल भी हो और फाइन पार्टिकल भी हो। तो बनाए, रेडी हो, जिसमें कोर्स पार्टिकल भी हो और जिसमें फाइन पार्टिकल भी हो, कलर चेंज, जिसमें कोर्स पार्टिकल भी और जिसमें फाइन पार्टिकल भी हो, तो ये हो गया, ये सी। तो ये हो गया, देखो यहां से कोर्स है और यहां पे फाइन है, तो वेल ग्रेडेड सॉइल का ग्राफ है जिसमें दोनों टाइप के पार्टिकल हैं, हर तरह का पार्टिकल है, कोर्स भी है और फाइन भी है, तो क्या हो गया, वेल ग्रेडेड सॉइल हो गया। आ गई बात समझ में, बताओ। अब लास्ट बनाना है हमें गैप ग्रेडेड सॉइल का, लास्ट बनाना है गैप ग्रेडेड सॉइल का। लास्ट बनाना है हमें गैप ग्रेडेड सॉइल का। ये हो गया डी, डी इज रिप्रेजेंटेड फॉर दी गैप ग्रेडेड सॉइल का ग्राफ है, किसका है, गैप ग्रेडेड सॉइल। ये देखिए डी ग्राफ किसका है, गैप ग्रेडेड सॉइल का है। गैप ग्रेडेड सॉइल कब बोलते हैं, जब सर्टेन साइज के पार्टिकल क्या हो, मिसिंग हो, किसी एक पार्टिकुलर साइज के पार्टिकल मिसिंग हो, उसे बोलेंगे आपका गैप ग्रेडेड सॉइल। तो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है, यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन दिख रहा है, दिस हॉरिजॉन्टल पोर्शन विल रिप्रेजेंट दी गैप ग्रेडेड सॉइल। हॉरिजॉन्टल पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, गैप ग्रेडेड सॉइल। इसका मतलब होता है सम साइज ऑफ पार्टिकल्स आर मिसिंग, पार्टिकल्स आर मिसिंग, कुछ पार्टिकल्स, कुछ साइज के पार्टिकल क्या हो, इसमें से मिसिंग हो, उसे हम कहते हैं गैप ग्रेडेड का कर्व होता है, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन को शो करता है
दिस कर्व विल शोज द कर्व ऑफ ग्रैब ग्रेडेड सॉइल। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट, फास्ट, और नोट करने के बाद में डन करिएगा। नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद में डन करके फिर बताइएगा। नोट करके डन करिएगा फास्ट। डन, वेरी गुड। तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं आप सभी से कल सेम टाइम 5 to 7। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।